उत्तरकाशी के सिलगियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बीते 14 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार आ रही दिक्कतों की वजह से अभी तक टनल में फंसे मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। बता दें कि 23 नवंबर की रात तक टनल में 48 मीटर तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके अगले दिन यानी 24 नवंबर की शाम को दोबारा ड्रिलिंग शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर लोहे की जाल ऑगर मशीन के सामने आ गए और मशीन के ब्लेड में ये जाल उलझ गए, जिससे ड्रिलिंग के काम को बंद करना पड़ा। अब मजदूरों को निकालने के लिए बाकी बचे 12 से 14 मीटर की खुदाई को मैनुअल ड्रिलिंग या वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए करने पर विचार किया जा रहा है। अब शायद ऑगर का इस्तेमाल आगे नहीं किया जाए, सीधे तौर पर अब मैनुअल ड्रिलिंग कराई जाएगी, जिसके लिए टीम जो है वो भी बाकायदा मौजूद है। जीपीआर सिस्टम से देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो रडार का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जब जानकारी ली गई थी तो ये बताया गया था कि 5.5 मीटर तक किसी तरह का कोई भी व्यवधान जो है वो नहीं है, कोई अवरोध वहां पर नहीं हो सकता है। और अभी मौजूदा स्थिति में क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी अभिषेक जो हैं वो भी वो साझा करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझेंगे कि अभी फिलहाल का जो अपडेट है। अभिषेक, अभी मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं, अब हम क्या उम्मीद करें, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आर्नोल्ड डिक से जब मैंने बात की थी तो वो तो ये कह रहे थे वर्टिकल ड्रिलिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें तो बहुत समय, वो तो क्रिसमस की बात कर रहे हैं, 1 महीने का समय है उसमें। अब ये मजदूर क्या तब तक फंसे रहेंगे, क्या कैसे क्या कुछ होगा? देखिए, अभी सबसे पहले ऑगर मशीन के वो पार्ट्स निकलने सबसे ज्यादा जरूरी हैं जो अभी उसके अंदर फंस गए हैं। तकरीबन 26 मीटर लंबे पार्ट्स हैं और जो आपको मैं बता दूं वो बिट्स हैं जो तकरीबन 7 हैं। 7 बिट्स को निकालना अपने आप में बेहद बड़ा चैलेंज है। 7:30 बजे कल शाम को ये फंसी थी और जैसी सूचना आई, और अभी जो हम समय हो गया है तकरीबन 1 बज गया है और उसमें 3 मीटर अभी तक बाहर निकाल सके हैं। तो बस्ती बाकी 23 मीटर हैं, वो कल तक सभी अधिकारियों से जैसे हमारी बात हो रही है 30 से 35 घंटे का वो बता रहे हैं कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो आगे का रुकावट क्या है, क्या व्यवधान है, उसके बाद पता चल पाएगा। पहले तो बिट्स बाहर आएंगी, बिट्स आने के बाद फिर आगे का व्यवधान देखा जाएगा। और अगर मैं आपको फिर बता दूँ ऑगर मशीन को लेकर जानकारी बताते हैं कि ऑगर मशीन 5 मीटर के दायरे में जब अंदर घुसाई जा रही थी तब काफ़ी मना किया गया था कि अब मैनुअल ड्रिल सबसे ज़्यादा सक्सेस रहेगा, क्योंकि जो अब पार्ट शुरू होने थे वो पार्ट थे जिसमें सबसे ज़्यादा सरिया, जाल और तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ऑगर मशीन वहाँ चलना संभव नहीं था। लेकिन जीपीआर रिपोर्ट्स के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। अभी हम जीपीआर रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स ढूंढ रहे हैं कि अगर जीपीआर रिपोर्ट्स मिलती है फिर उसमें उस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर जीपीआर रिपोर्ट्स में क्या ये लिखा था कि 5 मीटर का रास्ता एकदम क्लियर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सिलकियारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है, और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई तो अभी चूंकि उसको काट काट के पहले एक मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है। अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है, वो भी शाम तक जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहां पर आने से वो जल्दी और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सरबियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी, उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधाएं आ रही हैं। पिछले 14 दिनों से टनल में फंसे 41 मजदूरों को आखिर कब तक टनल से सही सलामत बाहर निकाल लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।